दोस्तों, टर्निंग पॉइंट टेक्निकल में आपका स्वागत है। आइए हम बढ़ते हैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की तरफ। जो मैं एक छोटा सा ब्रीफ देना चाहता हूँ, पिछले वीडियो में हमने देखा कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कैसे वर्क करता है, और इस वीडियो में जानेंगे कि सॉफ्टवेयर में क्या क्या सॉफ्टवेयर है और किस लेवल का सॉफ्टवेयर है, और उसके बारे में हम जानेंगे हार्डवेयर के बारे में। दोस्तों, सिंपल शॉर्ट में मैं ब्रीफ दे रहा हूँ, मैं इतना फास्ट फॉरवर्डिंग जाना नहीं चाहता या पूरा डिटेलिंग में ये कोर्स को बहुत लंबा करके आपका टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि कई लोग वीडियो तो देख लेते हैं बट उनको इंटरेस्टिंग लगता नहीं, काफ़ी सारा समझ लेते हैं बट वो कुछ कर नहीं पाते। सिर्फ मैं इस वीडियो में बहुत जो जरूरी है वही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते जा रहा हूँ, प्लीज़ दोस्तों ध्यान रखना। तो आइए बढ़ते हैं सबसे पहले सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर में दो प्रकार होते हैं दोस्तों, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसका सिंपल प्रोसेस मैं आपको समझा देता हूँ। आप डेली लाइफ में मोबाइल यूज करते हैं, एंड्रॉयड के मोबाइल्स काफी अभी चालू है, आपको पता होगा एंड्रॉयड में जो वर्जन आते हैं जैसे मार्शमेलो हो गया एंड इक्लर हो गया और अभी पाय आया हुआ है, तो ये सारे पाय, ये जो एंड्रॉयड के वर्जन वाले सॉफ्टवेयर है जो आप बाय करते हो तो आपके साथ प्री लोडेड आता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। बिल्कुल उसी तरह दोस्तों, कंप्यूटर में भी सॉफ्टवेयर लोड किया जाता है, जो उसका बेस सॉफ्टवेयर होता है उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी एप्लीकेशन बिल्कुल नहीं चलता है दोस्तों। तो इसको समझने के लिए सिंपल फंडा, आपके पास ब्लैंक कंप्यूटर आया, उसमें जो पहला सॉफ्टवेयर गिरेगा वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, बाकी उस सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी आप इंस्टॉल करते हैं उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी बहुत सारे लेयर होते हैं दोस्तों, मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, ऑफिस लेवल का सॉफ्टवेयर, ग्राफिक लेवल का सॉफ्टवेयर, एनिमेशन लेवल का सॉफ्टवेयर, ये ऐसे ऐसे करके बहुत वैरायटी वाले सॉफ्टवेयर है दोस्तों, आप हैरान हो जाओगे। तो वहां हमें नहीं जाना है, हमें सिर्फ देखना है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, और उसे ही समझना है, क्योंकि आप अगर इस चीज को समझ गए तो बाकी चीजें आराम से समझ जाएंगे। आपको समझने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर वापस मैं बता दूं। तो दोस्तों, अब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर कैसे पहचाना जाए और किस किस तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सबसे ज्यादा पॉपुलर अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर है तो वो है विंडोज का है, जैसे विंडोज पुराने वर्जन में आप देखेंगे तो पहला डॉस आया है, डॉस के बाद 95, 98, 2000, 2003, 2003 दोस्तों आपको देखने नहीं मिला होगा क्योंकि ये थोड़ा सर्वर लेवल का है और ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ। अगर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ है तो विंडोज XP पॉपुलर हुआ है दोस्तों, विंडोज XP की जैसा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, और उसके बाद जो विस्ता आया सबसे बकवास इतना हेवी सॉफ्टवेयर था दोस्तों, वो मैंने अपने लाइफ में एक या दो बार ही इंस्टॉल किया है, उसके बाद मैंने कभी इंस्टॉल नहीं किया है। और विंडो XP के बाद जो विस्ता सॉफ्टवेयर आया है दोस्तों, विंडोज विस्ता के बाद विंडो विस्ता से सभी परेशान हो गए थे दोस्तों। उसके बाद जो विंडो X7 आया है, जो विंडोज 7 आया है उसके बाद लोगों के दिलों में एक आस जगी कि कुछ नया ऑपरेटिंग सिस्टम देखने मिल रहा है और बहुत स्मूथ वर्क कर रहा है दोस्तों। क्योंकि क्या हो रहा है कि जैसे जनरेशन चेंज हो रही है वैसे लोग अपग्रेड हो रहे हैं, अपग्रेड होने के साथ हमें भी अपग्रेड होना है, अगर हम अपग्रेड नहीं होंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। इसीलिए लोगों ने XP से विस्ता में जम किया, विस्ता से 7 में जम किया, 7 के बाद 8 आया, 8.1 आया, फिर विंडोज 10 आया है, और आगे भी ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते रहेंगे। तो ये सारे विंडोज सिस्टम सॉफ्टवेयर के वर्जन है। और दोस्तों, और एक बात, हर विंडोज का खुद का अलग अलग वर्जन होता है, वो अलग बात है कि उसके अंदर के अलग अलग वर्जन होते हैं, लाइक दैट होम हो गया, स्टार्टर हो गया, होम हो गया, होम प्रीमियम हो गया, बिजनेस हो गया, अल्टीमेट हो गया, प्रोफेशनल हो गया। तो ये अंदर के है जिसे हमें डीपली समझने के लिए हम इसको नए वीडियो में हम डालेंगे कि कैसे इसको समझा जाए। तो हम वापस आ जाते हैं अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर पे। ये विंडोज के सारे वर्जन हो गए, उसके बाद लिनक्स है, यूनिक्स है, उबंटू है,
फिर बाद में मैक ओएस है। मैक ओएस दोस्तों वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे है, क्योंकि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर यूज होता है तो विंडोज होता है, उसके बाद मैक का नंबर आता है। मैक मैक का खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ खुद का हार्डवेयर होता है दोस्तों, ये किसी भी सिस्टम में लोड नहीं होता है। जो लोड करते हैं वो हैकिन दोष रहता है, ये अलग तरह का अलग तरीके से लोड किया जाता है। तो ये हो गए हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसे बहुत सारे आते हैं। एंड्रॉयड के भी अभी काफ़ी सारे आने लगे हैं, जो मोबाइल से लैपटॉप में कन्वर्ट करके मार्केट में भी मिल रहे हैं, जिन्हें काफ़ी लोगों को अच्छा लगता है कि नहीं हमें एंड्रॉयड बेस्ड चाहिए। क्रोम का खुद का एक ओएस है। आप सोच रहे हो गूगल क्रोम सिर्फ एक ब्राउजर है, दोस्तों ऐसा नहीं है, गूगल क्रोम का भी खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों। ये बात बहुत कम लोगों को पता है, बहुत कम लोगों को पता है कि गूगल क्रोम का खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ऐसे बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों दुनिया में, बहुत लोगों ने अलग अलग बनाया है जो, मगर सबसे ज़्यादा चलने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आज के डेट में सिर्फ तीन ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों। पहला है विंडोज़, दूसरा है मैक ओएस, और तीसरा वो सिर्फ मोबाइल में चलता है एंड्रॉयड। मैं मोबाइल को इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि आपको पता चले कि ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल में भी चलने वाला जो सिस्टम है वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। और दोस्तों आगे हम हार्डवेयर की बात करते हैं, अब हम आ जाते हैं हार्डवेयर पे। तो दोस्तों हार्डवेयर के बेस के ऊपर डिपेंड होता है कि कौन सा सॉफ्टवेयर डालना है, क्योंकि हर सॉफ्टवेयर का एक खुद का वेट होता है, वो वजन वाला वेट नहीं, इसका एक अलग मेजरमेंट होता है जीबी के हिसाब से, उसके सिस्टम रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे आपके डेली लाइफ में आपको कितना भोजन लगता है खाना खाने के लिए, उसी तरह उस ऑपरेटिंग सिस्टम को कितना हार्डवेयर लगेगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है। मिनिमम रिकमेंड बेस्ट ऑप्शन जो होता है वो एक होता है, इस तरह उसका स्टैंडर्ड डिसाइड होता है कि वो कौन सा हार्डवेयर उसके लिए चूज करना है। तो ये सारा सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड है कि कौन सा हार्डवेयर लगेगा, ना कि हार्डवेयर के ऊपर डिपेंड। हाँ दोस्तों आप चूज कर सकते हो कि आपका हार्डवेयर के ऊपर आप कौन सा सॉफ्टवेयर डालना चाहते हो, ऐसा नहीं कि आपका हार्डवेयर हायर लेवल का है तो आप लोअर लेवल का नहीं डाल सकते, डाल सकते हो, लोअर लेवल का चले भी जाएगा, अच्छा भी चलेगा, बट वो आपको उतना आउटपुट नहीं देगा जो उस हार्डवेयर के हिसाब से बनाया गया है जिस सॉफ्टवेयर को। और आप अगर हाई एंड डाल लेंगे तो शायद आपको वो परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं मिले। तो आप वही हार्डवेयर के हिसाब से वही सॉफ्टवेयर चूज करिए, या वही सॉफ्टवेयर के हिसाब से वही हार्डवेयर चूज करिए जो उसको रिकमेंडेशन होता है। इसी तरह एक हार्डवेयर है, एक हार्डवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है, उस एक दूसरे को बराबर जेल करना चाहिए। अगर ये जरा सा भी ऊपर नीचे हो गया तो ये जेल नहीं करेगा दोस्तों, प्रॉब्लम देगा, समझ रहे हैं? तो इसको बहुत समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। अभी हार्डवेयर में भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, हम उस पर भी अगले वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों। हम पहले हार्डवेयर को पूरा ख़त्म कर ले, वीडियो बहुत लंबा चलेगा मुझे पता है दोस्तों, इसलिए मैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को भी बहुत ज़रूरी से समझना है दोस्तों। अगर आप इसको नहीं समझ पाए तो हार्डवेयर नेटवर्किंग को बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। तो आपको सॉफ्टवेयर समझ में आ गया, अभी हार्डवेयर की बात करते हैं। तो हार्डवेयर कैसे डिसाइड करना है, हार्डवेयर उस सॉफ्टवेयर के वेबसाइट पे जाकर देखना है कि उसके रिकमेंड के हिसाब से कौन सा हार्डवेयर लगेगा, या आपके पास जो हार्डवेयर है, जो कंप्यूटर है, उसके हिसाब से आप कौन सा सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं, जैसा मैंने बताया एक दूसरे को जेल करना। तो ये हार्डवेयर हो गया और एक हो गया सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।